कल हमारे एक साउथ इंडियन भाई आए थे, उन्होंने कहा था कि कल हम फिश करी खाएंगे, लेकिन मैं मसाला अपना लेके आऊंगा। हमने कहा सर आप लाइएगा, आप जैसे चाहेंगे मैं बना के दे दूंगा। गुड टू सी यू। आ गया चिकन टिक्का मसाला और यहाँ पे नाइट लाइफ की बैंड बजी हुई है यहाँ पे, एकदम बिल्कुल नाइट लाइफ नहीं है। पहुंच गया, इस बार का राइड में काफ़ी मज़ा आया, ज़्यादा बम्पी नहीं था, आराम से पहुंच गया और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इस बार, 15 मिनट में पहुंच गया। आने के समय तो हमें राइड दिया गया था यहाँ तक, अभी पता नहीं यहाँ से जो मेन सेंटर है वहाँ पे जाने के लिए राइड मिलेगा कि नहीं, वरना फिर पैदल कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। सही था, 100 बात जाने का 100 बात आने का लाइफ सेट है। अब लगा है भयंकर वाला भूख, क्योंकि मैंने रैली में कुछ खाया नहीं, क्योंकि मैंने शेक पिया था तो थोड़ा बहुत काम चल गया था, अभी फिर से भूख लग गया है तो अभी कुछ खाएंगे टाउन जाके। तो मेरे सामने जो आप देख रहे हो ये टाउनांग बीच है और उस तरफ सनसेट हो रहा है, काफ़ी खूबसूरत सा लोकेशन है और यहाँ पे अनगिनत सुविनियर शॉप्स हैं यहाँ पे। तो आई थिंक अभी मैं खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद शाम को यहाँ पर बैठ के मस्त सनसेट इंजॉय करेंगे। पता नहीं ये कौन सा मछली है, बट यहाँ पे अवनांग में सब जगह इसी मछली का स्टैचू है। व्हिच फिश इज दिस फिश, व्हिच फिश इज दिस नेम? प्लाबाई। हाँ, इन क्राबी, प्लाबाई, प्लाबाई। सो यू गेट इन क्राबी दिस फिश? काफी सही है, मतलब इसका जो तेल है और उसका जो चोंच है खतरनाक है, मतलब बढ़िया। नमस्ते। तो मैं अभी आ गया हूँ नूरी रेस्टोरेंट में, क्योंकि इतने सारे इंडियन रेस्टोरेंट थे तो चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। क्यों अच्छा दिख रहा है? क्योंकि सामने में भैया इसका नाम क्या है मछली का? मर्लिन फिश। तो मर्लिन फिश का स्टैचू के सामने ही मैं ये रेस्टोरेंट में आ गया, क्योंकि मेरे को व्यू बहुत अच्छा लग रहा था और इस तरफ सनसेट भी हो रहा है, तो सनसेट के साथ अब लंच किया जाएगा। काफ़ी लेट लंच हो रहा है क्योंकि मैं रैली में था तो वहाँ पे खा नहीं पाया, तो देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है। और काफ़ी टाइम के बाद मैं इंडियन खा रहा हूँ। मैं हनोई में खाया था जब मैं काउ सर्फिंग कर रहा था, मैंने खुद बनाया था। उसके पहले हनोई के बाद मैं होचीमिन में खाया था, जहाँ पर मैंने काउ सर्फिंग में चिकन बनाया था, और उसके बाद अभी खा रहा हूँ, तो लगभग 2 हफ्ते के बाद खा रहा हूँ फिर से इंडियन खाना, तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो मछली तो मुझे उतना पसंद नहीं है, तो मछली मैं नहीं खाऊंगा, मैं मोस्टली चिकन ही खाऊंगा। काफ़ी सही मेन्यू है। और एक चीज़ है कि अगर आप इंडिया के बाहर कहीं भी इंडियन खाना खाते हो तो थोड़ा तो महंगा पड़ता ही है, और हालांकि लोकल खाना सबसे सस्ता रहता है हर जगह, आप कहीं भी कंट्री में ट्रैवल करो। तो अब इंडियन हो तो इंडियन खाना तो पसंद रहेगा ही, तो अभी फ़िलहाल इंडियन खाना खाने का टाइम आ गया है। काफ़ी मैंने लोकल खा लिया है तो अभी इंडियन। तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है चिकन टिक्का मसाला, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी भी रहेगा और मज़ा भी आएगा, क्योंकि इसके साथ मैं सोच रहा हूँ कि चावल खाऊं और नान खाऊं, तो चिकन टिक्का मसाला एकदम सही कॉम्बिनेशन रहेगा चावल एंड नान के साथ। और यहाँ पे बहुत टाइम के बाद अचार वगैरह चटनी वगैरह देखने को मिल रही है, पापड़ वगैरह आ गया है। थैंक यू सर। बासमती राइस, पुलाव बासमती। थैंक यू सलाद। थैंक यू सो मच। आ गया चिकन टिक्का मसाला और यहाँ पे मेरा गार्लिक नान है, थोड़ा सा प्याज है और यहाँ पे बासमती राइस है। तो आज काफ़ी टाइम के बाद लग्जूरियस खाना खा रहा हूँ और अच्छा लग रहा है, तो व्यू को निहारते हुए अब खाना एंजॉय करते हैं। तो अभी जाके खाना ख़त्म हुआ है, इतना सही खाना था, इतना मज़ा आया मेरे को, मतलब मैं खो गया था खाने में। तो और काफ़ी अच्छा सनसेट हो रहा था तो मैं मतलब अलग ही नशे में था। तो सिंस मेरे को खाना अच्छा लगा है तो ऑफकोर्स मैं थोड़ा सा इस जगह के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग आ रहे हैं तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए। यहाँ का सर्विस बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं और सबसे अच्छा बात है कि खाना। तो यहाँ पर आपको जैन खाना मिल जाएगा, इंडियन फूड है यहाँ पर सारे चाट, एंड सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पर ये लगा मेरे को, नो गुड नो पे। तो
कहाँ से हो आप लोग? इंडिया, मुंबई। मुंबई कैसा लग रहा है? मुंबई कैसा लग रहा है खाना यहाँ पे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैंने भी लगातार आ रहे हैं क्योंकि मैं दो कल शाम से घूम रहा था, इतने सारे इंडियन रेस्टोरेंट देखे मैंने यहाँ पे, तो मैं अभी चाह रहा था यहाँ से तो नूरी दिखा तो मैंने ट्राई किया, बहुत सही लगा खाना। तो भाई वही सोचा था कि आप लोगों से पूछ लेता हूँ कैसा लगा। तो बहुत ही अच्छा था, हम लोग अभी 40 मिनट ड्राइव करके खास इधर आए हैं। तो मैं भी अभी काफी दूर से मैं रेले गया हुआ था, रेले से वापस आया यहाँ पे, ढूंढ रहा था कहाँ खाऊं, फिर यहाँ आ गया, फिर बहुत सारे इंडियंस भी हैं तो सोचा कि चलो बात कर लेते हैं। ठीक है, 40 मिनट्स नहीं, मुझे लगता है मोर देन 1 आवर ड्राइवर के हम लोग आवर बन जाएंगे। ऑलराइट, एंजॉय योर फूड, बाय। नमस्ते अर्जुन, हाउ आर यू? I'm fine, sir. अच्छा लगा आपसे मिलके, और काफी सही खाना है। तो मैं वही अनूप जी से पूछ रहा था कि खाना किसने बनाया है, और दूसरी बात है कि यहाँ पे इतने सारे रेस्टोरेंट है, चूज करना मुश्किल हो जाए किसमें खाएं। तो मैं लकीली यहाँ पे पहुँच गया आपके पास, तो मैं बोला चलो ठीक है यहाँ पे। 2008 से मेरा रेस्टोरेंट है। हाँ जी, काफी पुराना है, कुसमोई में भी है, 2001 से है, काफी पुराना रेस्टोरेंट कुसमोई में भी है जी। वहाँ पे 3 ब्रांच है, यहाँ पे 1 ब्रांच है। सही है, और जैन खाना भी मैंने देखा। yes, जैन खाना, नो ऑनियन नो गार्लिक, जिसको जैन खाना खाना हो उनको भी मिल सकता है। हमारा किचन अलग है, इंडियन फूड का इंडियन सेफ है, और थाई फूड का थाई सेफ है, थाई किचन भी है। बहुत बढ़िया, और कहीं हेजिटेशन नहीं है कि इंडियन खानों में कोई मिलावट थाई टाइप का कुछ नहीं। और अनुप जी से बातों में ये सब पता चला कि यहाँ मतलब ये इतने कोऑपरेटिव है कि लोग अपने घर से मसाला लेके आते तो वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे कल हमारे एक साउथ इंडियन भाई आए थे, उन्होंने कहा था कि कल हम फिश करी खाएंगे लेकिन मैं मसाला अपना लेके आऊंगा। हमने कहा सर आप लाइएगा, आप जैसे चाहेंगे मैं बना के दे दूंगा। ये आई थिंक कहीं नहीं होता है सर, ये मतलब फिर बाहर का मसाला किसी और के रेस्टोरेंट में आके यूज करना। सर एक ग्राहक आए तो सेटिस्फाई होके जाए, उसको ये ना लगे कि अपना देश छोड़ के कहीं बाहर गए हैं, उसको अपनापन लगे। पैसे तो आप हर रेस्टोरेंट पे देते हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन हर जगह नहीं मिलती है, तो मेरी कोशिश सेटिस्फेक्शन की होती है। बढ़िया, तो आप ऊपर में भी है क्या? जिनको सनसेट एंजॉय करना होता है, आज थोड़ा क्लाउडी वेदर है, अदरवाइज यू कैन नॉट एंजॉय द सनसेट। अदरवाइज मेरे को इतना पता है कि यहाँ पे अगर अच्छा वेदर है तो कलरफुल स्काई रहता है, सनसेट कलरफुल होता है, सनसेट का व्यू बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे नेचुरल फॉक डांस हमेशा होता रहता है सामने, वो ठीक उसी के सामने मेरा रेस्टोरेंट है नूरी इंडिया। बहुत बढ़िया, और सबसे बेस्ट पार्ट लगा आपके रेस्टोरेंट का कि आपने तिरंगा लगा रखा है। सर कहीं ना कहीं तो फिर भी दिला हिंदुस्तानी, नूरी इंडिया मतलब इंडिया से हूँ, अनुप पांडे नाम है मेरा, उत्तर प्रदेश से हूँ। काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि मेरे को नहीं लगा था कि लोग यहाँ पे इतने फ्रेंडली होंगे, क्योंकि बिजनेस जब कोई करता है तो मतलब हेलो हाय तो चलता है, बट इतना फ्रेंडली नहीं होता, मतलब थोड़ा प्रोफेशनल रहता है। एवरीबॉडी आर द प्रोफेशनल, बट वी आई कैन नॉट टेल यू कि वी आर नॉट प्रोफेशनल, बट नो यू आर द इमोशनल फर्स्ट एंड देन प्रोफेशनल, क्योंकि जिस तरह से आपने मेरे को ट्रीट किया, जैसे मैं अभी आया और आपने जैसे मेरे को बैठाया, जिस तरह से पूछा, जिस तरह से मेरे को खाने के लिए सजेशन दिया आपने, बहुत बहुत बढ़िया लगा मेरे को, मतलब थैंक यू सो मच इसके लिए। थैंक यू सर, तो बहुत सही है। अगर आपको आई स्वेयर मैं मतलब हैंड्स डाउन बोलता हूँ, अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी इंडियन खाना हो तो डेफिनेटली ट्राई, मैं नहीं बोलूँगा कि आपको आना ही पड़ेगा, डेफिनेटली ट्राई देम। अगर आपको नहीं मज़ा आता है तो उनका एक ऑप्शन है पॉलिसी, जहाँ अगर आपको खाना नो पे, नो गुड नो पे, चेक वन बाइट, अगर खाना अच्छा नहीं है आप ऑर्डर कैंसिल करिए, दूसरा लीजिए। बहुत बढ़िया, और यहाँ पे है बड़प्पन, खाना खाया और मेरे लिए चाय इन्होंने ऑफर किया, एंड थैंक यू फॉर द टी सचिन जी, तो यहाँ पे मुझे चाय पिलाया जा रहा है शाम को, थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत सही मज़ा आ रहा है। मतलब मैं अच्छा हुआ इस रेस्टोरेंट में, मैं आगे एक और रेस्टोरेंट था इंडियन रेस्टोरेंट, मैं सोचा कि वहाँ पर जाऊँगा, फिर मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा तो मैं आ गया यहाँ पर। तो अभी मसाला चाय का आनंद लेते हैं। ठीक है अनुप जी, चलते हैं, मिलते हैं, काफी अच्छा लगा मिलके आपसे, फिर दोबारा आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो मज़ा आ गया। अभी चाहता हूँ मैं थोड़ा बैटरी चार्ज करना है, मेमोरी कार्ड चेंज करना है कि मेमोरी खत्म हो गया है। शुक्रिया सचिन जी, आपसे भी मिलके काफी अच्छा लगा, और खाना काफी जबरदस्त था। आप कहाँ से बता दीजिए व्यूअर्स को? देहरादून से हूँ सर। देहरादून कहाँ से? उत्तराखंड। उत्तराखंड देहरादून से आप? बहुत बढ़िया, और 20 साल से यहीं करबी में हूँ। 20 साल से आप करबी में हूँ, बहुत बढ़िया। 18 साल से चल रहा है न्यूरी इंडिया। काफ़ी अच्छा लगा इन सबसे मिल के, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ, जिस तरह से मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, जिस तरह से मैं आया यहाँ पे, जिस तरह से इन्होंने मेरा स्वागत किया, जिस तरह से बातचीत की, ऐसा लग रहा है कि आपको मैं बहुत तरह से जानता हूँ। काफ़ी अच्छा लगा मिलके आपसे, आप बहुत ही मतलब अच्छे हैं, और सच में आपका खाना भी बहुत अच्छा है, मतलब खाना और इंसान दोनों जब बढ़िया हो तो फिर उससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच।
Later. और आज मंडे होने के कारण काफी ज्यादा शांत है। मैं मस्त बियर लेके वॉक कर रहा हूँ, बिल्कुल डेड है क्राबी, अभी जानी नहीं है। नाइट लाइफ का नामो निशान नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आगे दो तीन बार्स हैं, तो एक बार वहां पे चेक करेंगे कैसा चल रहा है। पूरा नाइट लाइफ डेड है, कोई नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे बार हैं, एक तो लॉफ्ट था, ये भी मतलब थोड़ा बहुत लोग हैं यहाँ पे, अपबीट है, खाली है, नीचे खाली है। जब नहीं यहाँ पे ये वाला थाई पब है, यहाँ पे थाई लोकल म्यूजिक चल रहा है। अजीब सा माहौल हो रखा है यहाँ पे, नाइट लाइफ की बैंड बजी हुई है यहाँ पे। फिर भी थोड़ा बहुत फॉरेनर्स है, बट माहौल एकदम खराब है। तो ये कायरो बार है, अभी भी खाली है, पूरा का पूरा लोग ही नहीं है। नाइट लाइफ की बैंड बजी हुई है यहाँ पे, एकदम बिल्कुल नाइट लाइफ नहीं है। आई वाज ट्राइंग टू मैसेज यू, बट मैंने बताया कि लाइफ बहुत डेड है उस तरफ। गुड टू सी यू, इफ यू हैव मैसेज मी राइट, इफ यू हैव मैसेज मी दैट यू आर कमिंग। तो मेरे हॉस्टल के दोस्त लोग मिल गए, अभी यहाँ पे खेलने वाले हैं। कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, तो अब वापस जा रहा हूँ मैं अपने हॉस्टल। काफ़ी अजीब सा हो रखा है थाईलैंड, थाईलैंड खुल गया है मतलब अभी तक, मतलब उस तरह से नहीं खुला जिस तरह से 2019 में था। तो अभी यहाँ से 1 किलोमीटर है मेरा हॉस्टल, जाके अभी आराम करता हूँ।